तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिगर साइज कैपेसिटी का सिंगल डोर लीटर का रिव्यू दूंगा, और वो भी दूंगा कंपैरिजन में। अगर आप मार्केट में सर्वे कर रहे हैं कि मुझे एक सिंगल डोर लीटर फ्रिज लेना है और डबल साइज़ का लेना है, यानी बिगर साइज में, और होना चाहिए वो फ्रेंड्स व्हर्लपूल और एलजी के कंपैरिजन में कि कौन सा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ वो एलजी के 261 लीटर का, और जो वर्लपूल है वो 274 लीटर का रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्लपूल से। वर्लपूल का ये फ्रेंड्स आपका ऑटो डीफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। जैसा कि आपने सुना होगा कि डबल जोर जितने भी आते हैं वो आपके फ्रॉस्ट फ्री आते हैं, तो ये भी आपका ऑटो डीफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। फ्रेंड्स, ये 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज है। 274 लीटर इसका कैपेसिटी है नेट, और 178 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, यानी एक साल की। फ्रेंड्स, अगर इसके कंप्रेसर की बात करें तो 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी है, और ऑटो कनेक्ट होम इनवर्टर यानी होम इनवर्टर से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो डीफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो बात करते हैं इसमें फीचर्स की। तो फीचर्स में जैसे कि इसमें यहीं पे लिखा हुआ है 6 सेंस एंड ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर फ्रीडम फ्रॉम द डीफ्रॉस्टिंग 6 सेंस इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। बात करते हैं बाहरी लुक की, तो ये आपका सिल्वर लुक के साथ है, यानी स्टील बॉडी में है और क्रोम हैंडल के साथ है। बात करेंगे फ्रेंड्स इसके इंटरनल स्टोरेज की, कि इसके इंटरनल स्टोरेज में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये भी इसमें लॉक सिस्टम भी आ रहा है बड़े वाले फ्रिज में। 274 लीटर का फ्रिज है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्रीजर जोन। तो ये है फ्रेंड्स इसका बिगर साइज का फ्रीजर जोन, ठीक है। एक टाइप से डबल डोर के बराबर ही हो गया, पर डबल डोर में ये स्टोरेज वहाँ पे ज़्यादा रहता है और यहाँ पे ये वाला स्टोरेज कम रहता है, पर यहाँ पे आपको फुल स्पेस मिल रहा है टोटली, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके फ्रीजर सेक्शन की। तो फ्रीजर सेक्शन में देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं 4-in-1 मोड। 4-in-1 मोड बोलते हैं फ्रेंड्स इनको, यानी ये आपके फास्ट आइस, क्विक चिल, एवरीडे एंड पावर सेवर, यानी 4 मोड्स है। 4 मोड्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी लाइट जलती है, और ये होता है फ्रेंड्स इसका चिल्लर बॉक्स यानी मैजिक बॉक्स, यानी अगर आपको कोई भी दूध वगैरह का पैकेट रख रहे हैं, बटर वगैरह रख रहे हैं, या चॉकलेट वगैरह का पैकेट रख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके सेल्फ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो सेल्फ आती है फ्रेंड्स, आपको टोटली 4 सेल्फ आती है। 100% टफ एंड ग्लास की सेल्फ है, और इसकी जो सेल्फ होती है फ्रेंड्स, वेटेज काफ़ी अच्छी तरीके से सहन भी कर सकती है, और चारों तरफ से बाउंड्री दी गई है ताकि कुछ भी टूटने फूटने का ज़्यादा डर ना हो बर्तन निकालते समय, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें आपको स्पेस वेजिटेबल की, तो इसका जो वेजिटेबल केस है काफ़ी बेटर है। इसमें 2 कंपार्टमेंट बना रखे हैं, यहाँ पे आप ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली हो, और ये कंपार्टमेंट फ्रेंड्स आपको कंबाइंड करता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप एक जगह फ्रूट रखो और एक जगह वेजिटेबल रखो, तो आप दोनों को कंपार्टमेंट को बना सकते हो, क्योंकि ये जो व्हाइट वाला स्लाइडर दे रखा है ये पूरा एक बीच में अलग से गैप बना देता है, ठीक है। यही वेजिटेबल का फ़ायदा है, ठीक है फ्रेंड। अगर डोर स्पेस की बात करें फ्रेंड, तो इसके जो डोर स्पेस है आपको डोर स्पेस में देखते हैं, तो 2-4 टोटली 5 सेल्फ इसमें दी गई है आपको। सबसे नीचे आपको एक सेल्फ दी गई है जिसमें छोटी बोतलें, और ऊपर आपकी 1 लीटर और ऊपर आपकी 2 लीटर की बोतलें। इसमें फ्रेंड्स आपको ये एडजस्टेबल भी दे रखा है ताकि यहाँ पे ये हिले ना, इसलिए इन्होंने अलग से। ऊपर वाली सेल्फ की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको 2 छोटी रैक्स मिल गई है जिसमें कि आप एग वगैरह भी रख सकते हो। इसकी अगर हम गैसकेट की बात करें फ्रेंड, तो इसकी जो गैसकेट होती है रिमूवेबल गैसकेट होती है, और एंटी फंगल गैसकेट होती है जिसको कि आप हर हफ्ते या हर दिन भी क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके मार्केट प्राइस रेंज की बात करें, तो ये आपका मार्केट प्राइस रेंज में लगभग इसका जो प्राइस रेंज स्टार्टिंग हो जाता है मार्केट में, वो लगभग आपका 20,000 से स्टार्टिंग होके आपका ये 26,000 स्टार्टिंग में आपको मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एलजी के इस फ्रिज की। ये है फ्रेंड्स 261 लीटर का फ्रिज, जो कि 2024 का है। स्टील बॉडी में है, सेम वर्लपूल की ही तरह है। ये आपका प्लेन स्टील है, वो थोड़ी सी वैसा रफ टाइप का स्टील है, बट अलग ही लुक है। 3 स्टार रेटिंग है इसकी। जो यूनिट पर ईयर है फ्रेंड्स, वो 178 यूनिट पर ईयर, यानी दोनों की सेम ही है। उसकी भी 178 थी वर्लपूल की, और इसकी भी आपकी एलजी भी 178 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए, तो वर्क विदाउट स्टेबलाइजर यानी इसका 90 से लेके 390 वोल्ट तक का ये वर्क करता है, और आपका इन्वर्टर होम इन्वर्टर के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मॉइस्ट एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी आती है, और एंटी बैक्टीरियल गैसकेट आती है जो कि प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया वगैरह से, फूस वगैरह को,
इंटरनल फीचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रीजर जोन में ही जाएंगे। यह है फास्ट फ्रीजिंग जोन जो कि वर्लपूल के बराबर ही बिगर साइज का है और यहाँ पे फ्रेंड्स इसका ये थर्मोस्टेट है, यानी आप यहाँ से इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको कितना ठंडा चाहिए कितना जो नॉर्मल चाहिए वो सब चीज़ आपको यहाँ से दिया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें एक फीचर्स अलग था और इसमें एक अलग था, यानी यहाँ पे आपको ऑटो डीफ्रॉस्टिंग का सिस्टम था, यहाँ पे आपको मैनुअली डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है। इसमें लाइट का सिस्टम सेम दिया गया है जैसे वर्लपूल में था, बट इसमें यहाँ पे चिलर बॉक्स दिया गया है। चिलर बॉक्स में जैसे कि आप दूध वगैरह हो गया, बटर वगैरह हो गया या फिर चॉकलेट वगैरह हो गया, वो चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हो। सेल्फ़ की बात की जाए फ्रेंड्स तो सेल्फ इसमें आपकी टोटली 3 सेल्फ है, जहाँ की वर्लपूल में आपकी 4 सेल्फ थी। बट दोनों में कंपेरिजन ये है कि यहाँ की सेल्फ आपकी एडजस्टेबल है और जो मैंने आपको वर्लपूल की दिखाई थी फ्रेंड्स आपको दोबारा दिखा देता हूँ, तो वो आपकी फिक्स सेल्फ थी जहाँ पे वो एडजस्टेबल नहीं थी। तो ये दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे ये एडजस्टेबल है। टफ एंड ग्लास की सेल्फ फ्रेंड्स जिसकी भी टफ एंड ग्लास की सेल्फ है ये भी काफ़ी हैवी वेट सहन कर सकती है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें वेजिटेबल केस की, तो इसका वेजिटेबल केस भी काफ़ी बिगर साइज़ का है, यानी ये फ्रिज आपका 261 लीटर का है तो मैक्सिमम 4 आदमी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अदर्स फीचर की, तो अदर फीचर में देखते हैं कि इसकी वोल्टेज कितनी है। तो ये फ्रेंड्स आपका 92 वॉट का ये फ्रिज है, ठीक है। डोर स्पेस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो डोर स्पेस में आपको यहाँ पे नीचे सबसे 2 रैक मिलती है, ऊपर अलग से रैक मिलती है 2 लीटर की बोतल अगले और ऊपर अलग मिलती है और ऊपर अलग मिलती है, यानी अगर देखा जाए तो डोर में इसमें फुल स्पेस दिया गया है। आइस क्यूब बॉक्स मिला है, एग के लिए अलग से मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका साइड से पूरा लेदर फिनिश के साथ आता है, इसमें भी लेदर फिनिश है। तो अगर बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो कंपनी इसमें जो वारंटी आपको देती है 1 ईयर की टोटल और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये थे LG के 261 लीटर का फ्रिज और ये था फ्रेंड्स आपका वर्लपूल का 274 लीटर का फ्रिज। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, अगर दोनों के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।